नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट। बरेली में समाजवादी पार्टी के सभासद और 125 कैंट विधानसभा बरेली से संभावित कैंडिडेट फिरदौस अंजुम ने अपने दोस्त भाई सतवीर सिंह के ढाबे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी जनाब राजेंद्र चौधरी साहब का स्वागत बहुत धूमधाम से सैकड़ों लोगों के साथ किया और टी पार्टी की और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस मौके पर जनाब राजेंद्र चौधरी साहब ने फिरदौस अंजुम को आशीर्वाद दिया और प्रोग्राम सफल होने की बधाई दी और फिर वहां समाजवादी पार्टी जिंदाबाद फिरदौस अंजुम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मुझे मोहम्मद फिरदौस था और अंजुम भाई कहते हैं। मैं नगर निगम में 3 बार पार्षद था। इस समय मेरी पार्षद है। वर्तमान समय में मैं 125 कैंट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ। ये आज जो मीटिंग चल रही थी, किस विषय में चल रही थी? आज ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब और एमएनसी साहब जनाब राजेंद्र चौधरी साहब बरेली तशरीफ लाए थे। रुद्रपुर परसों मीटिंग के सिलसिले में गए थे, वहाँ से आज लौटे तो तशरीफ लाए थे। हमारा उनसे वादा था चाय पीने का, इसी संबंध में हमारे यहाँ चाय पीने का। तो इतनी तादाद में भीड़ के साथ जो आए थे, इसका क्या मकसद है? नहीं, इतनी तादाद में भीड़ के साथ कहाँ आए थे, वो तो अपनी टीम के साथ हम लोग थे। नहीं, आप जो टीम के साथ थे, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है, हमेशा से रहा है कि समाजवादी पार्टी की कहीं भी मीटिंग हो तो एक संदेश पब्लिक में ऐसा जाए कि समाजवादी की मीटिंग कोई भी हज़ारों से कम में नहीं होती है। तो इस सिलसिले में मैंने अपने सारे समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को बुला रखा था, तो इसलिए मैंने उनका सम्मान किया। सर, ये कैंट विधानसभा सीट जो चल रही है, इसमें आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? मैं अपने आप को आज की डेट में 100% सक्षम और मजबूत दावेदार की हैसियत से मानता हूँ। क्योंकि अगर माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी साहब सर्वे कराएंगे किसी भी स्तर पे, तो इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार पार्षद हूँ और मैंने कई कई पोस्टों पर रहा हूँ। एक दिन का कार्यवाहक मेयर भी रहा हूँ मैं, और कार्यकारिणी में भी रहा हूँ, BDA बोर्ड में भी रहा हूँ, और दसियों कमेटियों में रहा हूँ। 20 साल का तजर्बा है मुझे इलेक्शन का, नेतागिरी का, तो इसलिए। और उसके अलावा ग्रेजुएट हूँ मैं, और क्षेत्र में अपने विकास के हिसाब से मेरी अलग पहचान है। तो अगर सर्वे कराया जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं फर्स्ट आऊँगा, ये मेरा मुझे उम्मीद है।